बैठी हूँ भैया के पीछे, अपने छोटे देवर जी, सबसे छोटे वाले, उनके आ रहा है। मतलब आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, लेकिन उन्होंने साक्षात दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ। माइक पर दिखाइएगा, एक था कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो उसके बाद हमने देखा कल रात, हम लोगों ने बात करी, मैंने कहा शिवी अगर ऐसा कुछ हुआ है सभी लोगों का, बड़ों को मेरा सादर चरण स्पर्श, जो भी हमारे बड़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, मैं फटाफट से नहा धो के होती हूँ रेडी, देखती हूँ आज क्या पहनेंगे। सो आई विल शो यू माय आउटफिट और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। तो मैं पहनने वाली हूँ ये आउटफिट विद दिस, सो एंड दैट्स इट। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, हेड वॉश मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने अभी करा था। तो अब प्रॉपर से हो जाते हैं रेडी क्योंकि बहुत लेट हो गया हुआ। कोई ना मेरे सिंदूर के लिए कह रहा था कि उनको अच्छा लगता है, आपको बता दूं कि मैं सिंदूर लगाती कैसे हूँ। पहले ना मैं ये वेट वाला सिंदूर लगाती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ये ड्राई वाला, क्योंकि उससे ना फिर सिंदूर रुका रहता है। ठीक है, ऐसे लगाते हैं, क्योंकि अगर आप वेट लगा लो तो वो अच्छा नहीं लगता, और फिर अगर आप वेट करके ड्राई और अगर सीधा ड्राई लगाते हो तो वो रुक नहीं पाता। तो मैं वेट और ड्राई दोनों मिक्स करके लगाती हूँ। यार मैंने ऐसे एक कलर की चूड़ी और लाई थी, ये मैं वैष्णो देवी से लाई थी, बट एक कलर पता नहीं कहाँ मिस हो गया, मुझे आज ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं वो पहनने वाली थी, मेरा बहुत मन था। मैं इसका सेट बनाती हूँ जल्दी से, फिर ये पहनते हैं। ये बनाया है मैंने कुछ ऐसे मिक्स एंड मैच करके, इसके बीच में लगाते हैं अपने कड़े। एंड नाउ दिस इज डन। मेरे को ना इसमें चूड़ियाँ फंसती हैं क्योंकि ये राइट हैंड थोड़ा मोटा होता है ना। सी कितनी अच्छी लग रही है यार, मेरे को चूड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा लगाते हैं मिस्ट एंड आई एम ऑल सेट टू गो। ये आज का मेरा आउटफिट। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट से झाड़ू लगाने ऑफिस में, क्योंकि हमारी कश्मीरी दीदी लेट आती हैं, तो अभी फटाफट से मैं वहाँ पूजा करूँगी, उसके बाद चलते हैं माँ के पास नीचे। तो पहले कर्टेन को पूरा हटा देते हैं, अब थोड़ा अच्छा सा लगता है रोशनी रोशनी। तो पहले लगा देती हूँ झाड़ू, उसके बाद मिलेंगे आपसे आगे के व्लॉग में। अब हम करते हैं अपने मंदिर में पूजा, सफाई हो गई है, बस ये कार्टन उठवा के नीचे भिजवाना है, बाकी मैंने सब सफाई कर दी है, ऑल सेट। जल्दी से अब भगवान जी की पूजा करते हैं, फिर चलते हैं नीचे माँ के पास। राधे राधे। ये देखो हमारे डुल्लू साहब। डुल्लू गुड मॉर्निंग, कैसे हो डुल्लू? कहते गुड मॉर्निंग, कहते गुड मॉर्निंग, क्या है क्या है, कहते गुड मॉर्निंग। चट्टू चट्टू नहीं, शक्ल दिखाओ अपने सबको, कितने गंदे लग रहे हो। तो अभी नहायो अभी। वेलकम जी, वेलकम, बड़ी जल्दी आ गई हैं आप, आज हमारी पिंकी दी भी आ गई है जो हमारे सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। आज पिंकी दी ने दर्शन दे दिए। पिंकी दी कितने दिन बाद आई आप? एक महीना, दो महीना, दो महीने, दो महीने बाद आई है दीदी।
15 दिसंबर से 7 दिसंबर से जनवरी से होने वाले हैं 2 महीने गनी माता 2 महीने हुए नहीं लेकिन हमारी पिंकी दी आ गई। थैंक यू जी थैंक यू। माँ कहाँ है? माँ किधर गई? माँ बाहर है कुछ लाइट वाइट ठीक हो रही है। माँ कौन? माँ आ गई बाहर आधे आधे। पिंकी दी आ गई मैं कह रही चटनी बना दो तो कह रहे चटनी बनी कल कह रहे तुमने तो लड्डू भी ना खिलाए भैया कह रहे पिंकी दी लड़का हुआ है पिंकी दी चाहती लड़की हो जाए लड़की नहीं हुई 3 लड़के हो गए पिंकी दी के पास। कोई बात नहीं पिंकी दी एक बार ट्राई कर लो। यार लड़की है ना वाकई में बहुत प्यारी होती है। जैसे मैं अपने घर की बड़ी हूँ तो मेरे 2 छोटे भाई हैं तो मैं चहेती हूँ घर की। उमंग तरंग कह देता है कि पापा ना कभी मतलब मेरे को नहीं डांटते कोई चीज होगी ना तो उमंग तरंग को डांट देता है। देखिए ये है हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी का ब्लैंकेट इनका पिलो। अभी मैं उनको स्नान करा देती हूँ और फिर भगवान जी की पोशाक चेंज करते हैं। दोस्तों ये हाल हो रहा है हमारी छत का आज लगेंगे पूरी सफाई पे। माँ माँ कर चुकी हैं आधी बाकी मैं उठाती हूँ। माँ बैठ जाओ चलो। मैं इन्हें बता के नहीं आई थी मैं छत साफ करने जा रही हूँ। कई दिन से छत साफ नहीं हुई थी और ये मुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर आ गई और झाड़ू लेके और फटाफट फटाफट करने लगी छत पे। थोड़ा सा हमारे बराबर में एक पेड़ है उसके बहुत सारे पत्ते आके गिरते हैं उसकी वजह से बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। ये देखिए अब मेरे हाथ से झाड़ू छीन के और खुद करने लगी हैं। ये देखिए बहुत बड़ी छत थी हमारी बहुत गंदी हो रही थी कई दिन से आज ये हैं अरे सफाई हो जाएगी ना हाँ। यहाँ ऊपर में घास बिछवा के हाँ। और यहाँ डलवा देंगे वो लिंटर से डल जाएगा यहाँ इस पे कैसे खड़ा होगा हो जाएगा तो इस पे करवा के और बढ़िया यहाँ सीटिंग का हो जाएगा। ये क्योंकि हमारे बंदर बहुत है ये देखो बंदरों की पोटी साफ करनी पड़ रही है देखो बंदर हमें सफाई करने का मौका भी तो नहीं देते हैं इसीलिए तो इतनी हो जाती है गंदी पूरे दिन पूरी रात पड़े रहते हैं इस पे। जब आते हैं तो बस समझ लो खाने को दौड़ते हैं और ज्यादा आए पता है मैं छत साफ करने आ गई इन्होंने मुझे सारे में ढूंढा कि कहाँ गई तब आई है तब इन्होंने करी है पूरी छत साफ। मैं कह रही हूँ इनके चलो मैं कर रही हूँ मेरी जैसी भावी हर एक खाई को दे भगवान ने इतनी खुश नसीब है हम ऐसी भावी मिली हमें भाई इतना लाइक करो लोगों इतना लाइक करो हमारी भाभी को कि गोल्डन एकदम बहुत अच्छा आए। ये देखो कितनी गंदगी निकली है एक पन्नी चली गई है एक अभी रह गया और दिखा दो गौर से दिखा लो फिर कितनी बढ़िया होगी साफ अच्छा तुम्हारी साफ सुथरी कूड़ा ही फेंक रही है बाकी इनका कुछ ना हुआ क्या दिन हो गए मुझे इससे कहते हुए कि छत साफ कर दे कश्मीरी छत। मैं वहां से कह रही मैं कहा माफ कर देंगे बैठ जाओ यार देखना ये शेर रखी हुई है और मैंने कहा इनको धो के इनको पेंट करवा दो और ये बैठने का मुझे लगा जाल है जैसे हमने नहीं रख रखा वो नहीं नहीं पहले हमारे जाल था ना यहाँ जब ये ऊपर बन गया है तब ये जाल हट गया यहाँ से अब ये रखा हुआ यहाँ पर था ना इसको कराएंगे सही कहीं माँ ऐसे फेंस तो हम भी लगवा सकते हैं ना यहाँ बंदर आएंगे नहीं बंदर खूब आते हैं इनके बीच में से निकल निकल के जाते हैं बंदे नहीं बहुत सारे बंदे चले जाते हैं ये तो ऐसा है जो हमारे हैं गुरु भाई उनके सामने जिसमें करंट आता है ना उसमें से बंदर बीच में से ऐसे जाते हैं धीरे धीरे निकल लगता है हल्का सा यू हो जाते हैं फिर अपने हो जाते हैं तो मैंने कहा तो गंदी छत्ती तो पॉटी करके चले जाते
मैंने कहा साफ नहीं होता तो और पोटी करेंगे। करेंगे तो। कश्मीरी कितनी खुश है जब पूरी छत साफ हो गई है, इसके दांत देखो कितने निकल रहे हैं। लगा दो जब ये हाँ आ जाते और एक घंटे पहले मैं फोन कर रही थी कश्मीरी आ जा, मगर कश्मीरी कहाँ सुनने वाली है। जाओ बेटा जाओ, मुझे को भाव ही नहीं देना बेटा। अगर आगे आई है समझ रहे हो, भागने का भी मौका नहीं, भागने का मौका भी। हाँ साफ सुथरी चिट्टी चिट्टी, ये देखो ये दिखाओ ये सर्दी ने अब तो कमाल कर दिया देखो। दूसरा ये पेड़ जो है ना इसके पत्ते इतने गिरते हैं, जरा हवा चली अभी सुबह को देखो। शिवी ये मौका भी नहीं देगा तुम्हें, इंजेक्शन लगा ले लोग। चलो अब चलो बस चलो चल देखते टंक लग जाएगी ना। और इधर लाइट लाइट तो हमारी थी, है मतलब बंदर ले जाते हैं ना निकल गए। बंदर देखो वहाँ पे नहीं उखाड़ रखा, इधर देखो इसमें फोन नहीं लगवा सकते। अरे ये देखो ये उखाड़ रखा सारा, बंदर इतने आ। अरे वहाँ तो उखाड़ सकते हैं, यहाँ ना ऐसे करके वो ठुकवा दो छतरी टाइप जो होती है। अरे जब आते हैं जब लगवा देते हैं। यहाँ बच्चा लोग आए हैं मैजिक दिखाने के लिए, अभी देखती हूँ मैजिक क्या है। दिखाओ ये क्या था। क्योंकि ऐसे करने में कभी अटक जाए तो पता नहीं कैसे करते, हमें यही नहीं पता लगा ये करता कितनी सफाई से। ये बहुत आसान है, कैसे बेटा पूछ नहीं पकड़ते कभी भी, उनको लूज मोशन हो जाते हैं डॉग्स को। डुला ये गुरा ना लगे, डर लगता है मुझे। डुला कौन कौन आया आपसे मिलने। डुला डुल्लू दोस्तों हम आए हैं चाची को सरप्राइज देने। चाची को पता नहीं है कि हम केक कटिंग करेंगे, कल चाची का बर्थडे है, बट चाची ना वृंदावन चली जाएंगी इसलिए हम उनको आए हैं सरप्राइज देने। दोस्तों हम आए हैं चाची का केक काटने और ताई जी ना ऊपर से चिल्लाती कह रहे शिव पराठा खाएगी। ताई देखो क्या जबरदस्त आलू के पराठे बनाए हैं, मजा ही आ गया। मैं कहा चाची ये भी पूछो, सॉरी ताई जी ये भी कोई पूछने की बात होती है। मैं कहा बिल्कुल खा लूंगी, अब मैं खा के बताती हूँ। रुक जाओ ताई जी पहले एक बाइट तो खाए। अरे ये कटवा दे, एक बाइट खान तो दो। ये देखो हमारी हर कलर मिलेंगे चाची नीचे सब पर। हमारे ताई देखो कितनी क्यूट लग रही है, ताई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा स्कूटर पे से आए हैं, स्कूटी से आए हैं। क्यों करना है अभी केक काटो, स्कूटी पे ठंड लग रही है, स्कूटी पे ठंड केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रेखा, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। चाची ना वृंदावन जा रही है इसलिए ना आज ही भगवान जी को भोग लगाया पहले। अच्छा अच्छा हाँ पहले भगवान जी को भोग लगाया। भैया वो लाओ जरा, मैं बैठी हूँ भैया के पीछे अपने छोटे देवर जी सबसे छोटे वाले उनके R15 पे। भाई इसकी गद्दी इतनी ऊंची है पिछा रही है माँ। माँ कह रही हो तुम देखते हो चलेगी तुम लुढ़क ना जा। माँ कितनी छोटी दिख रही है पीछे। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, माँ ने ना आज मक्के की रोटी और साग बनाया है और माँ की रोटी पे ना साक्षात ओम की आकृति बन के आई है और आपको दिखाती हूँ, मतलब अनबिलीवेबल है
कहते हैं ना अन्नपूर्णा देवी जी का आशीर्वाद मिल गया पूर्णतः। तो अब मैं कल ही जीजी की बात करी थी और आज देखिए आशीर्वाद मिल भी गया। मतलब आशीर्वाद तो हमेशा रहता है लेकिन उन्होंने साक्षात दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ। माँ एक बार दिखाइएगा, एक मिनट, ये देखिए। वाओ माँ। दोस्तों हमारे घर में है शादी, अब 6 तारीख को मेरे बुआ जी के बेटे की मतलब बड़े भैया की शादी है और कल है उनकी एंगेजमेंट, फिर हल्दी, फिर शादी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं और मैं भी डिसाइड ही कर रही हूँ कि मैं क्या पहनूंगी, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो भूलिएगा नहीं ब्लॉग्स देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों अब हम आ गए हैं चाची के यहाँ से, पल्लेगढ़ से, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड मुझे एक प्यारा सा कॉमेंट आया था, उसके लिए थैंक यू बोला था। नीतू जायसवाल जी, थैंक यू सो मच, मैंने आपका कॉमेंट पढ़ लिया है फ्रॉम बाराबंकी, तो थैंक यू। और मुझे ये भी कहना था कि मतलब किसी का कॉमेंट आया था कि मैं काम नहीं करती हूँ, मतलब कुछ और काम नहीं करती हूँ क्या, बट मैं काम करती हूँ। एक्चुअली मेरी किचन ना 11th को होगी, क्योंकि बुआ जी ने बताया था ना कि अंधेरी पाक अभी चल रहा है, तो कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो उसके लिए एक शुभ दिन देख रहे हैं, इस वजह से मेरी अभी किचन नहीं हुई है। तो मैं तब करूँगी, तो तब आपको मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या बनाऊँगी। और बाकी सारे काम मैं करती रहती हूँ, आपने देख ही लिया होगा ब्लॉग में। तो अब मैं ऐसी डेली रूटीन भी बनाना शुरू करूँगी कि पूरे दिन में मैं पूरी दिनचर्या दिखाऊँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। सो आई ट्राई दैट टू शो यू। और बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू जी, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं शिवी को, और बहुत अच्छा लगता है जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं, सारी चीज़ें मतलब देखते हैं, आप लोगों का प्रेम देखते हैं, तो सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है। सभी से आग्रह है कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो नया जो चैनल को देख रहे हैं, तो उन सभी से आग्रह है, मेरा निवेदन है कि कृपया करके ना लाइक भी किया कीजिए और जो है सब्सक्राइब भी किया कीजिए चैनल को, जिससे कि जो है ना इनको और मोटिवेशन मिलेगा। ये बहुत मेहनत करती हैं शिवी, और आपको मतलब मैं किसी दिन इनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो मैं उसको दिखाऊंगा किसी व्लॉग में कि ये सुबह से शाम तक रात तक कितना समय लगता है। तो बहुत मेहनत करती हैं, थोड़ा सा आप इनका साथ दें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि जो है अभी कल ही जो है एक वायरल हुई थी न्यूज़ कि पूनम पांडे का डिमाइस हो गया है, वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया, दैट इज़ सर्विकल कैंसर, उसके बारे में ये अवेयरनेस करना चाह रही थी, तो उसके बहुत तरीके और भी हो सकते थे, बट अपने आप जो है डिमाइस का उसमें बता करके इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करना या उसको अवेयरनेस को नाम देना, आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट मेरे अकॉर्डिंगली। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, मैं केवल अपने विचार रख रहा हूँ। द वे शी डिड इज नॉट रेलेवेंट, इट इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि हम लोग गोवा गए हुए थे, सभी लोग जानते हैं, हम लोग गए हुए थे मजेस्टिक प्राइड जो क्रूज है वहां पर। तो मजेस्टिक प्राइड सिटी, सॉरी क्या नाम है, कैसीनो प्राइड और उसके बाद एक और है वहां पे डेल्टन, तो ऐसे करके वहां पे 3-4 हुए हैं। तो उनका सबका ना एक बोर्डिंग पॉइंट है जहां से बोर्डिंग करते हैं क्रूज में जाने के लिए। तो क्या हुआ वहां पर कि कुछ बाउंसर्स के साथ वन ऑफ द सेलिब्रिटी वॉज कमिंग, हमें पता नहीं था, हमें नहीं पता था क्योंकि हम इतना बहुत अच्छे से नहीं जानते थे इनके बारे में। तो हमने मैंने शिवी को बोला कि मैंने कहा, मैंने नहीं, अमजद ने बोला कि भाभी शायद कोई सेलिब्रिटी आए हैं, हम क्योंकि वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर उस दिन भी कोई सेलिब्रिटी आ रहे थे, बादशाह आ रहे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा हो सकता है भाई आ रहे होंगे। कल जब न्यूज़ पता पड़ी हमें, हमने देखा सारी चीज़ें, उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे वो था, तो जब स्क्रॉल करा तो लास्ट वीडियो उनकी जो वहीं कर थी, तो उसके बाद हमने देखा कल रात, हम लोगों ने बात करी, मैंने कहा शिवी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति 4 या 5 दिन पहले एक बड़े से इवेंट में जाकर के इस तरीके से हेल्थली तो नहीं कर सकता। तभी जो है अमजद ने ऐसा बोला कि जो है भाई ऐसा हो सकता है कि ये इन्होंने फेक पब्लिसिटी करी हो। मैंने कहा भाई मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति अपने जो है मृत्यु के बारे में फेक पब्लिसिटी तो नहीं करेगा, बट वही हुआ जब सुबह हम जाके सारी चीजें करी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मतलब हम लोग भी जो है फ्री रहते हैं, परिवार के साथ ही रहते हैं। हमने देखा एकदम, तो मैंने कहा शिवी को बोला, अमजद को तुरंत फोन मिलाया, उनको बोला, मैंने कहा भाई तुम सही थे और ये तो बिल्कुल फेक था।
तो कभी भी देखिए कोई भी चीज हम करते हैं, मेरा अपना विचार है, कभी भी हम कोई भी चीज करें, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हमारे सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब एक ना स्वतंत्र प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरा सभी लोगों से आग्रह ये है कि हम कोई भी न्यूज, कोई भी चीज ऐसी प्रोवाइड करें जो किसी की फीलिंग्स को आहत ना कराए। राइट, क्या होता है ना, हम झूठ कोई भी खबर फैलाएं उससे कुछ नहीं होगा यार, कि आगे किसी भी व्यक्ति का उन चीजों से विश्वास ही उठ जाएगा। और ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब आप आदमी अपनी मृत्यु के बारे में कैसे गलत बोल सकते हैं जी। तो बस जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और बाकी सभी लोगों को पुनः दोबारा जो है आप लोगों को सबको बहुत बहुत हृदय से बारंबार आभार, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बड़ों को मेरा सादर चरण स्पर्श, जो भी हमारे बड़े देख रहे हैं, और हमारे सारे भाइयों को, बहनों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा स्वीकार कीजिएगा, और बस यूं ही प्यार बनाए रखिए। शिवी को जो है अपना जो है, सभी लोग अपना जो है, जिस भी प्रकार आप साथ दे सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो वो आप सभी करते रहिए, तो थोड़ा सा इनका भी मनोबल बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अब जो है शिवी, आप, क्योंकि मैं तो जब कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं तो माँ और डैडी को भी पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ, तो बस डैडी के मुँह से निकलता है, बस बेटा गॉड ब्लेस यू, उनको जाके थैंक यू बोलो, उनको मीन्स भगवान जी को। तो हर चीज़ पे ना डैडी हमेशा ऐसे कहते हैं कि उनको जाके थैंक यू बोलो, तो आई थैंक ऑल ऑफ यू एंड गॉड ऑल्सो, बट थैंक यू। अब बस आप ऐसे ही हम तक प्यार बनाए रखें हमेशा, और हम निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।